लाइव है जी नाज़रीन, हमारे साथ ब्रिस्टल से सैयद तनवीर बुखारी भी यहाँ पर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मज़ार पर मौजूद हैं। इन्होंने कल भी सफ़र किया जिसमें मैं भी शामिल था। हमने पूरा दिन यानी एक सफरी जो है वो एक्टिविटीज़ की। शाह साहब, आप ये बताएं कि आपको कितने दिन यहाँ पर बरतानिया में एंट्री के लिए आपको कितने दिन यहाँ पर हो चुके हैं? असल में हो शुक्रिया सैयद काशिफ त्रिवेदी साहब, बरतानिया में मैं 12 दिन के लिए यहाँ मैंने स्टे किया है यहाँ पे इस्तांबुल तुर्की में। और ये अल्लाह ताला की तरफ से ये इन जगहों पे जाना और वहाँ की सादतें और बरकतें हासिल करना हमारे नसीब में रखा हुआ था। शायद ज़िंदगी में ये मौका हमें ना मिलता जिस तरह मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह और उसके बाद कलंदर के वक्त के कलंदर जनाब शाह शमस तबरेज़ जिनकी कब्र यहाँ पर मौजूद है, और एक और शाह शमस सब्ज़वारी हैं जिनकी कब्र वहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद है। और ये वो इनके हालात ज़िंदगी आप पढ़ें तो इंसान दंग रह जाता है। और वहाँ पे उनकी कबूर पे हमने जब हाजिरी दी तो इतना ज़हनी और कल्बी सुकून हासिल हुआ। आज हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मेज़बान रसूल हैं, जिन जो हमारी ये पुश्त आप नज़र आ रहे हैं उनका रोज़ा मुबारक, ये मदीना शरीफ में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेज़बान रसूल हैं, इनको ये इजाज़ हासिल। और आज ये आपके भी मेज़बान हैं, इस बात को मत भूलिए। नाज़रीन, बरतानिया में जाने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर इस वक्त एक अंदाज़ा के मुताबिक 10,000 से ज़ायद पाकिस्तानी जो हैं वो इस्तांबुल और दीगर शहरों में मौजूद हैं। आइए बात करते हैं भाईजान।